नाम है इनका सिमी ग्रेवाल। जन्म 17 अक्टूबर सन 1947 में हुआ। जगह पंजाब का मुख्तसर इलाका। सिमी ग्रेवाल की दास्तां अपने आप में बड़ी अनोखी और जज्बाती है। सिमी ग्रेवाल के दादा कैप्टन कहर सिंह ग्रेवाल एक बहुत ही बड़े योद्धा थे और उस जमाने में क्वीन विक्टोरिया ने खुद इनके दादा को एक तलवार भेंट की थी। इनके पिता ब्रिगेडियर जे एस ग्रेवाल इंडियन आर्मी में थे और इनके माँ का नाम था दर्शी। पांच साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल ने फिल्म देखी थी आवारा। उससे ये इतनी मुतासिर हुई कि मन बना लिया कि अब ये फिल्मों में जाएंगी। माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सिमी ग्रेवाल, जिनकी तरबियत काफी हद तक इंग्लैंड में हुई थी, उसने ठान लिया था कि वो मुंबई आएगी और फिल्मों में काम करेगी। भूख हड़ताल पर चली गई ये नन्ही सी लड़की, माँ बाप ने कहा ठीक है, एक बरस लो और फिल्मों में काम करना है तो करके दिखाओ। कमाल की बात ये थी कि जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई तब ये किसी को जानती नहीं थी और इन्हें दो बड़े ही सुलझे हुए डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में चांस दिया। एक रहे महान फिल्म मेकर राज कपूर और दूसरे रहे महान सत्यजीत रे। तुम्हारे चिल्लाने में रोने की आवाज सुनाई थी विकी। मेरी कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। कमजोरी? यही तो तुम में सबसे बड़ी खूबी है विकी। अभी भी तुम्हारे दोस्त की तरह तुम दूसरों को खुद से ज्यादा प्यार कर सकते हो। फर्श सिर्फ ये है कि जो मुझे प्यार करके आगे बढ़ रहे हैं और तुम दुखों में फंसे हो। देखो निशा, अपनी पोछी मत जताओ मुझ पे। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में ये नजर आई थी और सत्यजीत रे की फिल्म आरन आयर दिन रात्रि में एक तरफ ये मृणाल सेन जैसे पैरेलल फिल्म मेकर के साथ काम कर रही थीं, तो दूसरी तरफ मेनस्ट्रीम के बड़े ही अनोखे डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो बदन में भी ये नजर आई। हमन हिस्से के नॉवल सिद्धार्था में ये शशि कपूर के साथ नजर आई थी और इसमें इन्होंने एक बड़ा ही उत्तेजक सीन भी दिया था। इनकी कजन है पैमेला चोपड़ा, जिनकी शादी हुई थी जबरदस्त फिल्म मेकर यश चोपड़ा से, तो यश चोपड़ा इनके जीजाजी हुए। सिमी ग्रेवाल दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में वक्त से जरा पहले आ गईं। इनकी बोल्डनेस एकदम अलग थी, इनके पास एक अलग निखार, एक अलग खूबसूरती थी, पर भारतीय सिनेमा शायद उस वक्त इतनी अच्छी हीरोइन के लिए तैयार ना था। अभी अभी सोशलिज्म कम्युनिज्म पॉलिटिक्स पे इसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। सोशलिज्म की बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना विकी? हाँ, खासकर एक करोड़पति की बेटी के मुंह से। मेरी करोड़ से अगर सोशलिज्म आ जाए तो मैं जरूर दे दूंगी, मगर सोशलिज्म तो एक सिस्टम है। सिमी ग्रेवाल ने आगे जाकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, टीवी शो रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल को कोई भूल ही नहीं सकता, लेकिन सिमी ग्रेवाल ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाए। सिमी ग्रेवाल के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि मात्र 17 बरस की उम्र में इन्हें मोहब्बत हो गई थी जामनगर के महाराजा से और कुछ अरसे के बाद इनकी शादी हुई रवि मोहन से, जो कि दिल्ली के बड़े ही मशहूर परिवार चूनामल से ताल्लुक रखते थे। ये शादी चल ना पाई, हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दिया था, पर तलाक तकरीबन 10 बरस बाद लिया। कर्ज की सिमी ग्रेवाल बनके नजर आई तो मेरा नाम जोकर में टीचर बनी। जो भी किरदार इन्होंने निभाए उन्हें याद रखा गया और भारतीय टेलीविजन में सबसे बढ़िया इंटरव्यू बेस्ड शो सिमी ग्रेवाल ने ही प्रस्तुत किया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।